और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। धार्मिक रीति रिवाज से, पूरे रीति रिवाज से यहां पर भू समाधि दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे, बाघम्बरी मठ की परंपरा से दी गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद गिरी और आराध्या तिवारी दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को केंद्रीय कारागार नैनी भेज दिया गया, यानी अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। आनंद गिरी ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, यह भी कहा है वकील ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आनंद गिरी जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनकर अभी तक सामने आए हैं, जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर बहुत आगे बढ़ाई जा रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को भेज दिया गया है। हालांकि इससे पहले आनंद गिरी ने कहा कि इसमें फंसाया जा रहा है, ये कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। लेकिन कौन वो शख्स है जिससे इस पूरे घटनाक्रम से फायदा मिल रहा था, वो ये नहीं जानते हैं। अभी आनंद गिरी ने इसको लेकर अपने बचाव में कुछ नहीं कहा है, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को और साथ ही आराध्या तिवारी को भेज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आराध्या तिवारी और आनंद गिरी को कोर्ट में पेश किया गया आपसे कुछ मिनट पहले, और इसी दौरान कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा, यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस आगे की छानबीन करेगी। हालांकि पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, लेकिन पुलिस को रिमांड नहीं मिल पाई और जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन पुलिस अब पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईटी वहां पर मौजूद थी जिस वक्त पेशी हो रही थी, और एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच करना है। 18 सदस्यीय एसआईटी टीम है, जिसका जिम्मा अजीत चौहान को मिला हुआ है, जो कि सीओ रैंक के अधिकारी हैं। वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, वही नेतृत्व भी करेंगे इस टीम का। देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, दोनों आरोपियों को केंद्रीय कारागार नैनी इस वक्त भेज दिया गया है। आनंद गिरी ने अपने बचाव में कुछ नहीं बोला, ये वकील की ओर से कहा गया है, क्योंकि आनंद गिरी मुख्य आरोपी बनकर अभी तक सामने आए हैं। इससे पहले भी 12 घंटे की पूछताछ हुई थी और बहुत सारे सवाल देखिए यहाँ पर पूछे गए, क्योंकि सुसाइड नोट जिसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाया जा रहा है, उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र था। ये महंत नरेंद्र गिरी ने अगर वो सुसाइड नोट लिखा है, हालांकि इसकी जांच अभी हो रही है, उस सुसाइड नोट में कहा गया कि आनंद गिरी किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, और साथ में उसमें आराध्या तिवारी का भी नाम शामिल है, और इसीलिए आनंद और आराध्या तिवारी दोनों को इस वक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की ये न्यायिक हिरासत होगी। और आपको बता दें, जो तीसरा आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया, संदीप तिवारी, जो कि आराध्या तिवारी का बेटा है, उसे भी आज या कल तक कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी आज ही हुई है। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक। इनकी गिरफ्तारियों के बीच ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, आनंद गिरी ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा, यह कहा है वकील ने। लेकिन अब आगे जांच कैसे आगे बढ़ेगी ये देखना होगा, क्योंकि जो सुसाइड नोट था उसकी भी फॉरेंसिक जांच हो रही है, वो सच है या नहीं है। तमाम जो महामंडलेश्वर हैं, जो महंत हैं, उन्होंने वहां पहुंचकर कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर महंत नरेंद्र गिरी को जानते थे और वो तो लिख ही नहीं पाते थे। ये कैलाशानंद गिरी ने खुद कहा है कि वो लिख ही नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में आखिर उन्होंने इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिखा, ये बड़ा सवाल। एक बड़ी खबर और आ रही है, आपको बताते हैं, नरेंद्र गिरी की खुदकुशी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसआईटी नरेंद्र गिरी के गनर से भी पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर, सुरक्षा में तैनात गनर से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। गनर अजय सिंह, मनीष शुक्ला से पूछताछ हो रही है। गनर अभिषेक मिश्रा, विवेक मिश्रा से भी इस वक्त पूछताछ चल रही है। चारों गनर्स को सस्पेंड किए जाने की सिफारिश भी यहां पर हो सकती है। आपको बता दें कि चारों सरकारी जो गनर हैं, उनकी लापरवाही सामने आई है और बताया जा रहा है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी महंत नरेंद्र गिरी को। ऐसे में जब वाई श्रेणी की सुरक्षा हो और वो कैसे आत्महत्या कर सकते हैं, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो चार गनर उनके साथ रहते थे, उसमें से एक गनर जो है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। संभवतः एसआईटी अब इसकी भी जांच करेगी कि उसके पास पैसे कहां से आए हैं। इनकी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इनको सस्पेंड करने की सिफारिश भी हो सकती है। हो सकता है कि ये सस्पेंड हो जाए और अगर जरूरत पड़ी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है पुलिस। और क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बहुत जल्द ये कोर्ट को बताना होगा कि आखिर इनके गुनाह क्या है, कैसे ये लोग इस घटना में शामिल रहे। और देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिसे इतनी सिक्योरिटी मिली हुई हो, चार गनर इस वक्त जिनसे पूछताछ चल रही है, आखिर वो कहाँ थे जब आत्महत्या जैसा कदम महंत नरेंद्र गिरी ने उठाया।